शुक्र वीरेंद्र, देखिए जो एक अच्छा मूव पावर स्पेस में आया है उसको इन कैश किया है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, और इसी को आज का इक्का बनाया है हमने, क्योंकि एक हफ्ते में 15%, एक महीने में 22%, एक साल में यानी कि YTD में अब तक 350% के आसपास का मूव ये स्टॉक दे चुका है, और आज भी अपर सर्किट पे लॉक्ड है और लगातार तेजी देखी जा रही है। 23 तारीख के आसपास इसकी एक री रेट की गई थी, इसकी रेटिंग्स को केयर की तरफ से, उन्होंने इनकी डेट की रेटिंग्स को री रेट किया था, जिसके बाद स्टॉक में और बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ा था। लेकिन इसके जो नंबर्स हैं वो एक बड़ा ट्रिगर बना इसके लिए, और साथ साथ जो इनके डेट को ईज आउट किया है कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में, वो इस कंपनी के लिए एक बड़ा री रेट का पॉसिबिलिटी बनता हुआ दिखाई पड़ा है। एक एक करके कुछ चीज़ें देखिए। पहला, इस कंपनी की जो कैपेसिटीज है करीब करीब 4,500 मेगावाट के आसपास की है, 4,660 मेगावाट के आसपास की है, जिसमें से 3,160 मेगावाट जो है वो इनकी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी है, और एक अच्छा मूव जो डिमांड साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ा है वो तो इसके लिए ट्रिगर बन के आया ही है। इसीलिए अगर आप इनके पिछले 2 साल के नंबर देखें या पिछले 1 साल और पिछले 1.5 तिमाही के नंबर देखें तो वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिले हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 क्वार्टर से इंप्रूव हो रही है, और पिछले साल की प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी आते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी है और कैपेसिटीज़ पूरी ऐड हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़, कंपनी के जो डेट का लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है। 2016 में इनका डेट 16,000 करोड़ रुपये के आसपास होता था, जो कि धीरे धीरे रिड्यूस होते होते अब 8,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। 5 साल में कंपनी ने अपनी डेट को हाफ कर दिया ऑलमोस्ट, और वो स्टॉक की रीरेटिंग कर रहा है एटलीस्ट बॉटम लाइन फ्रंट पर। इसीलिए यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं वो भी पॉजिटिव आउटलुक दे रहे थे, 220-230 रुपए के आसपास टारगेट है, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं सारे के सारे। इनफैक्ट एक रिपोर्ट तो 180 पे थी, और ये कही गई थी कि यहाँ पे रीरेट होगा स्टॉक, और वो भी आज अचीव हो चुका है। तो मेजरली ब्रोकर हाउसेज के अपग्रेड्स जो अचीव हो चुके हैं, और एक अच्छे नंबर्स, अच्छी डेट का रिडक्शन, वो इस कंपनी को अच्छी तेजी दिखा रहा है, इसीलिए इसको आज का इक्का बनाकर हमने शामिल किया है। आज का इक्का जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये 5% के सर्किट पे लॉक्ड है, तो ये सर्किट टू सर्किट मूव करने वाला मामला है। लेकिन फिर भी चार्ट्स देखकर कैसा लग रहा है? सत्यवीर साहब, आप बता दीजिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी। आशीष, देखिए बहुत ही बढ़िया है, इनफैक्ट ये पूरा सेक्टर ही बजिंग है। थोड़ा सा अभी ये लगाड़ है कि हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिप्स मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल इस सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप टेक्निकली देखें तो इसका फ्रेश ब्रेकआउट मिला है 280 के ऊपर, और अगर आप यहाँ पे देखें तो अनचार्टेड टेरिटरी में है। यस इट इज अनचार्टेड टेरिटरी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आशीष ये इट इज चेसिंग टुवर्ड 300+। तो ये फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, अगर आपके पास पोजिशन है तो थोड़ा बने रहे, क्योंकि स्लाइटली ओवरबॉट है तो स्टॉप लॉस होगा 280 का। 300 के पार चला जाएगा तो प्रोबेबली 340-350 का टारगेट भी अनफोल्ड हो सकता है, दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। सो आपका, मैं यही कहूंगा होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 280। 5% वाला है, सर्किट पे लगा हुआ है।